से पहले अपने वाले केस में हुआ क्या है ना। तो उसके बारे में जरा मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी अपडेट दे दूं। जो माननीय न्यायालय ने हमारी सारी बातों को सुना है, हमारे सारे तथ्यों को समझा है, और इसी आधार पे उन्होंने नेवी को अपना जवाब फाइल करने के लिए बोला है। अब इंडियन जो नेवी है वो यहाँ पर क्या है, अपना जो जवाब है वो यहाँ पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगी, ठीक है ना। तो नाउ इंडी जो हमारा जो पूरा का पूरा लेटर था, जो हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन थे वो कोर्ट ने सुने हैं। तो सबसे खुशखबरी की बात तो यही है कि एटलीस्ट हमारी बातों को ध्यान से सुना है, और जब बातों को ध्यान से सुना है तो नेवी को भी डायरेक्ट कर दिया है कि जाइए इसके बचाव पक्ष में आप क्या दलील देना चाहते हैं वो मुझे बताइए, कि आखिर इसके ऊपर स्टे क्यों ना लगाया जाए, आखिर इसके ऊपर आप लोगों के विचार क्या हैं, आखिर क्यों नेवी ने ऐसा किया। तो नेवी जो भारतीय नौसेना है वो भी बहुत रिस्पेक्टेड है, ठीक है ना। तो अब इंडियन नेवी को अपने बचाव के पक्ष में अपने मुद्दों को लेकर वो अपना जवाब फाइल कोर्ट के सामने करेंगी। क्लियर है, ये बात मैं आप सब लोगों को बता देता हूं, ठीक है ना। बेटा आप देखो इनरोलमेंट के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा अभी, ठीक है ना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था इनरोलमेंट के ऊपर कुछ नहीं कहना अभी मुझे। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आने वाला है, कल रिजल्ट आने वाला है। लेट इट बी, चलने दो अभी उसको। अभी ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं है। रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है यार, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। उम्मीद है 25-26 को आ जाए तो आ जाए, वरना मेरे पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आएगी तो वेलकम करेंगे, ठीक है ना। कब से इनरोलमेंट शुरू होगा, जब भी ऐसा कोई प्लान इशू होगा तो डिफेंस गुरुजी आप लोगों को पहले बताएगा। अच्छा है अगर आ जाए तो वेल एंड गुड है ना। चलो अब इंडियन नेवी, बेटा पहली बात तो केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है यार, केस दिल्ली कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। ये क्या बात कर रहे हो तुम, सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं जाना है, अभी एससी में जाने की नौबत नहीं है। अभी क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या है, ये केस है। आप लोग जानते हैं दाखिल करने के लिए हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट को चुना, वहीं पर हम लोगों ने इसको दाखिल किया है। अब जो हमारा जो नोटिस है वो भारतीय नौसेना की रिस्पेक्टिव ब्रांच तक पहुंच गया होगा, अब वो लोग इसका जवाब देंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक बात और उठती है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इसी बीच अगर नेवी ने एडमिट कार्ड इशू कर दिए तो हमारा स्टेप क्या होगा, है ना, और नेवी ने अगर एग्जाम कंडक्ट करा लिया तो हमारा स्टेप यहाँ पर क्या होगा। ये सबसे बड़ा बच्चों का सवाल मेरे सामने नजर आ रहा था, और मैंने इस बात के रिगार्डिंग वकील साहब से भी चर्चा की है कि आखिर ऐसे क्या रीजन है। कोई भी चीज हो, आप प्रूफ हो, मैं आपको प्रतिदिन जब भी नेक्स्ट डे तारीख होगी, जैसे मान लो आज तारीख थी तो कल मैंने आप लोगों के सामने टेलीग्राम पे डाल दिया था, ऐसे ही मैं हर तारीख का, हर हियरिंग का, और अगली हियरिंग तो हम लोग वहां पर लाइव भी सुन सकते हैं। अब यहां पर अपने को जो टाइम मिला है वो लगभग लगभग एक मंथ का टाइम है, लगभग लगभग यहाँ पर एक महीने का टाइम यहाँ पर क्या है मिला है नेवी को भी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने का। लगभग एक महीने का समय यहाँ पर दिया गया है, एग्जैक्ट डेट होगी वो आपको बता दूंगा। तो नेवी के पास एक महीना है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अगर इसी बीच नेवी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए तो, इसी बीच अगर नेवी ने अगर एडमिट कार्ड डाल दिए तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग दोबारा से क्या है, फिर से क्या है, माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, एक एप्लीकेशन हम लोग दोबारा से लगा देंगे। उस समय क्या है, दोबारा से हम लोग क्या है एक एप्लीकेशन को मूव कर देंगे कि अभी इसके ऊपर रोक लगाई जाए, सबको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे पास अच्छे खासे एविडेंस इस बात को लेकर भी हम कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि देखिए अभी तो सर फेस्टिवल भी जा चुका है, कुछ जो केसेस है वो भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, है ना, जो केसेस हैं वो भी क्या इंक्रीज नहीं हो रहे, क्योंकि फेस्टिवल टाइम पे पीक होता है, बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, बाजारों में निकलते हैं, तो कोविड का जो चांस था वो ज़्यादा फैलने को रहता है। बट स्टिल सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, सिचुएशन अभी कंट्रोल में है तो उसके ऊपर भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। नहीं अभी कोरोना के लिए नहीं बोल सकते हम लोगों ने, देखो बेटा उसके लिए बोला है खुद ऑलरेडी हम लोगों ने, यहां तक भी कहा है कि सर इंडियन कोस्ट गार्ड जो पहले ऑफलाइन लेती थी उसकी तो वैकेंसी भी थोड़ी थी, वहां पर तो क्या है नंबर ऑफ वैकेंसी भी लेस थी, तो उसने ऑफलाइन से एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करा लिया। तो आखिर नेवी में क्या समस्या है, नेवी में यहाँ पर क्या समस्या है कि हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ 10,000 बच्चों को बुला के ऐसे हम एक तरीके से रिक्रूटमेंट को
ऐसे नहीं पूरा कर सकते हैं। बच्चों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेहनत की है, क्योंकि लास्ट टाइम 93 कट ऑफ था। अब बताओ 93, समझ रहे हो, है ना। हम लोगों ने ये तक बोला है कि जब एक डी ग्रुप बनने के लिए 95% 99% नंबर चाहिए, 100% कट ऑफ गई है, ऐसा क्यों भाई। वो सारी बातें यहाँ पर जो जज साहब के सामने रखी गई थी वकील साहब के द्वारा, ठीक है, और माननीय न्यायालय ने हमारी बातों को सुनकर ही उनको जवाब फाइल करने को बोला है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक मिरेकल, एकदम से चुटकियों में नहीं हो सकता जो हम लोग सोचते हैं। आखिर उसको करने में क्या है, समय लगता है, और धरातल पर उतरने में तो मैं कहता हूँ और भी मौका लगता है, और हमारे पास अभी समय भी है। इन केस अगर नेवी एडमिट कार्ड रिलीज करती है, पहली बात तो उम्मीद है जब उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी तो वो लोग इस बात को ध्यान में रखकर क्या है ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, क्योंकि आगे भी अगर मान लो हम जब न्यायालय के सामने दोबारा से एप्लीकेशन को मूव कराएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पहले वाला केस का रेफरेंस था वो भी दिया गया है, जो ओंकार चौधरी वाला केस था, उसको भी यहाँ पर क्या है न्यायालय के सामने बखूबी तरीके से क्या है उसको रखा गया है। तो यही सब बातों को देखते हुए कोर्ट ने उन लोगों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यहाँ पर क्या है, कोर्ट ने उन लोगों से यहाँ पर क्या है जवाब को मांगा है, और जब जवाब मांगा है तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा सा इंतजार भी करना चाहिए, जानते हैं उनके जवाब क्या आएंगे, और जब जवाब फाइल करेंगे, हालांकि उससे पहले अगर एडमिट कार्ड आ गया तो हम दोबारा न्यायालय में जाके क्या है एप्लीकेशन लगाने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। मेरा ये अथक प्रयास था कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। बाकी अगली बार से हम लोग क्या है नेवी का जो हियरिंग है वो हम लोग लाइव भी यहाँ पर क्या है सुन सकते हैं, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने मेरी तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश मैंने छोड़ी नहीं है जो मतलब पॉसिबल हो, और हमने ना किया ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने हर एक चीज़ के ऊपर यहाँ पर क्या है विचार विमर्श करके हमने अपनी बातों को रखा है। यस, टाइम टेकिंग होता है, बट दैट इज़ आवर ड्यूटी। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने जो सपोर्ट किया था उसके लिए मैं आगे तक गया हूँ, आगे तक लड़ रहा हूँ, और आगे भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लास्ट इंच तक क्या है वहाँ पर हम लोग फाइट करेंगे, वी विल फाइट टिल लास्ट इंच। अभी नेवी के लिए वेट करते हैं वो लोग क्या जवाब फाइल करते हैं। इन केस अगर ऐसा कुछ आता है तो हम दोबारा से क्या है यहाँ पर न्यायालय में जाएंगे और दोबारा से हम अपनी बात का अपना जो पक्ष है वो माननीय जो हाई कोर्ट के सामने अपना रखेंगे, एंड लेट्स सी उसके बाद यहाँ पर क्या आता है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर आवाज़ उठाई थी कि सर आपने बताया नहीं कि क्या रहा उसमें, क्योंकि बेटा जब भी डेट आती तो आपको एक दिन पहले, और बैंक छुट्टी भी हो सकती है यार, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर बैंक छुट्टी पे तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, फिर तो टाइम अपने को डेट आगे मिलेगी, तो इसीलिए अपने को लगभग एक महीने का टाइम यहाँ पर क्या है मोटा मोटी मिल गया है, ठीक है। तो नेवी के पास भी इनफ टाइम है यहाँ पर जवाब देने के लिए, और हमारे पास भी इनफ टाइम है, इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो हम दोबारा से यहाँ पर क्या है एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, दोबारा से हम लोग यहाँ पर क्या इस चीज़ को चर्चा में हम लोग रखेंगे। इशू विद दैट, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, मैं दिन रात लगा हुआ हूँ, प्रयासरत पूरे रहेंगे, आप लोग टेंशन मत लेना बेटा, लगे हुए ध्यान रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इंडोर वालों से फिर से कहना चाहूँगा बच्चों, दुख है लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, थोड़ा सा संयम और बना के रखो, कुछ और बेटर होगा आप लोगों के लिए।